is so, so beautiful. बहुत ऑफ रोड है आई थिंक ये लेके जाएगा हम लोगों को बॉर्डर पे, वहाँ पर थोड़ी दूरी तक ही अलाउड है ये वाली रोड, उसके बाद शायद बैरिकेडिंग होगी एंड ऑफ कोर्स देन इट्स नो मैन्स लैंड आफ्टर द एरिया दैट वी क्रॉस इनटू। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है सर, नॉट टू श्योर कि हमें जाना चाहिए कि नहीं, लेट मी ट्राई। यार मैं जितनी बार सोचता हूँ ना कि यहाँ से तो गाड़ी जा ही नहीं पाएगी, बहुत स्मूथली और बहुत प्यार से इन सड़कों से निकल रही है। उस वक्त आपको उंगली दिखा के बताया था लाल वाला, हम वहीं पर ही ले लिया है क्योंकि इसका व्यू है वो देखो। अभी तो मैं यहाँ टेंट के पास हूँ, टेंट भी दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ द टेंट एंड वो छोटे वाले का भी ऑप्शन था बट यार वो ना उसमें कॉमन बाथरूम टॉयलेट है वो उधर टीन शेड बना हुआ है, तो रात को जाना हो तो फिर यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा आपको, तो दिक्कत होगी। तो मैंने ये लग्जरी टेंट करके इनका, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टेकन। ये 5 जनों के लिए है बट एटलीस्ट वहाँ पर बेड फ्लोर पे ही गद्दे डले हुए थे, यहाँ पर कम से कम दे हैव प्रॉपर बेड्स एंड आई नीड माई स्पेस। तो ये है प्लस ये बाथरूम का है, अब अनज़िप हुआ हुआ है, तो ये इस तरीके का कुछ बाथरूम है विच इज़ डिसेंट यार। आई मीन यहाँ पर आके टेंटिंग में और लाइट जो नेचुरली आ रही है एकदम येलो कलर की बन के, सो हेलो। सो ये है अपना बाथरूम और शाम को प्लान करेंगे यार कि बाहर ही बैठेंगे, यहाँ रात को बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है और ऑल्सो दिस हैपन्स टू बी द लास्ट कैम्प, आई विल शो यू हाउ। बैक इनटू माय क्रॉक्स और अब चल रहे हैं थोड़ी सी जगह एक्सप्लोर करके आए। अभी टाइम हो रहा है 12:38, हम लोगों की हाइट है 34-35 मीटर्स वरना ऑलमोस्ट 11,280 के करीब फीट पे हैं हम, और अभी टेम्परेचर क्या है बाहर 15 डिग्री है, 12:30 हुए हैं तो ना भूख लगी है ना कुछ खाने पीने का और कुछ मन कर रहा है। आई थिंक मेरे को जो व्यू एक्सप्लोर करना है मैं उसी के पास चलता हूँ यार।
बहुत ही सुंदर है। और सो ये पाथवेज बने हुए एंड ये भी वो देखिए, ये दिख रहा है परिवार वाला जो ये बहता हुआ है पूरा, क्या फोर्स है उसका। उसके पास तक जाने की कोशिश करता हूँ। सो आप लोगों को कैंप्स दिख रहे हैं, सो दोज आर आर्मी कैंप्स, ठीक है। और ये जहाँ ऊपर पत्थरा वाला रास्ता है वहाँ पर लगा हुआ है बैरिकेटर, जहाँ पर हम लोगों को आर्मी वाले ने वापस भेज दिया था। सो दिस हैपेंस टू बी द एक्चुअली टेक्निकली द लास्ट कैंप हियर इन चितपुर। So we are staying in the last village of India, in the last camp of Chitkur. अब रही बात वो दरिया का व्यू, तो भैया थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। अपन लोग ने क्रॉक्स पहन ली है क्योंकि जूते से ना चला नहीं जा रहा था, मतलब आई एम मोर कम्फर्टेबल इन क्रॉक्स। चलते हैं देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो हम चढ़ चुके हैं भैया बहुत बड़े बोल्डर के ऊपर ये, और वहां से आ रहे वो वाला है आर्मी कैंप, और यही पर ही बैठेंगे यार थोड़ी देर। हवा बहुत है, आई एम श्योर आपको बहुत विंड नॉइज आ रहा होगा। भाई ये आ गया है मेरा खाना, और अब मैं खाऊंगा थोड़ा सा, पेट पूजा करूंगा, फिर उसके बाद आई विल प्रॉब्ली टेक रेस्ट फॉर लाइक हाफ एन आवर और एक घंटा, थोड़ा सो जाऊंगा। ये खड़ी अपनी गाड़ी एंड ये है हमारा व्यू। सो खाना खा लेते हैं यार, बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को। तो भैया चितकुल आए हो तो यहाँ के आलू ज़रूर खाना, आलू इतना अमेजिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मतलब मेरे को कोई आलू इतना पसंद नहीं है, बट इसका टेस्ट इज अमेजिंग। बहुत टेस्टी खाना था यार, मज़ा आ गया। तो भैया रूम में जा रहा हूँ, खाना खा लिया है मैंने, और अब थोड़ी देर सोऊंगा। पानी बॉटल ले लिया, ये मैंने वो बॉटल वाटर नहीं लिया है, ये इन्हीं के यहाँ स्ट्रीम से जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है वहीं से वो भरवाया है, क्योंकि यार यहाँ के पानी का स्वाद ना अलग ही होता है, एंड आई थिंक वो पानी पीना ज़रूरी है यहाँ पर आके, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है। सो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ऑफकोर्स बॉडी को तो फ़ायदा करता ही है। तो भैया चलते हैं अभी के लिए, फिर उठते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। सी यू इन द लैंड।